हाँ नहीं हो पाएगा ये। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है। आपके अपने लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। अमर सिंह फांसी तक लगा दी थी उसने। अगर दोस्त अगर लेट होते तो क्या? अरे हुआ क्या है आशीष, क्या हुआ है? वो लक्ष्मण। लक्ष्मण? हाँ क्या क्या हुआ लक्ष्मण को? उसने से चाकू से मारने की कोशिश की। मारने की कोशिश की? और आताबाई में उसने खुद को मार लिया। क्या? कैसे लोगों के साथ भेजा है आपने मुझे? आपके खुद के लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि मैं भी वापस नहीं आ पाऊंगा। आशीष ऐसा ऐसा मत कहो। ऐसा मत कहो, इतना सख्त है। हमें ये ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। शायद हमने गलती कर दी आशीष। ये सब वही कर रहा है। फिर से वही बेवकूफी सर, फिर से वही बेवकूफी। मैं सफर के शुरू से देख रहा हूं कि वो बस चुपचाप बैठा हुआ है। ये आपके ही कॉन्स्टेबल हैं जो एक दूसरे को भड़का रहे हैं। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो आशीष। हमारी किस्मत उस स्याही से लिखी गई है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ये सब वो कर रहा है। सच में ये उसका समय है। आशीष आशीष आशीष, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर, हेलो सर, आशीष। तेरा दिमाग खराब है वीरेंद्र। तुझे गाड़ी चलाना नहीं आता तो तूने क्यों चलाई? हम सब मर सकते थे, यही चाहता है तू? उधर देख, तेरी वजह से हमारा लक्ष्मण। मेरी वजह से नहीं, तेरी ही वजह से। वो चाकू तूने लक्ष्मण को क्यों दिया? कितना छोटा था वो अभी। वो चाकू मैंने उससे नहीं दिया। सांसें जो रोकी तो जहां का दम घुटने लगा। उसने ली अंगड़ाई तो हवा का रुख मोड़ने लगा। कौन है वो, क्या किसी
मुश्किल है सर, इसके शरीर से बदबू आने लगेगी, सफर और मुश्किल हो जाएगा। सफर तो पहले से ही मुश्किल है। कितने आराम से सोया हुआ है इंसान, मरने के बाद कितना भोला लगता है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई मोह माया का लालच नहीं। मुक्त हो चुका है ये शरीर इस संसार के लोभ लालच से, परंतु सवाल ये है कि अगर जीवन रहते ये ज्ञान इसे मिल जाता तो शायद ये अभी सोया ना होता। इंसान का डर अक्सर उसकी जान लेता है, उस डर पर काबू नहीं जीत की आवश्यकता है। क्यों कर रहा है तू ये सब? क्या चाहता है? और सिंगल लोग, देख पीछे क्या हो रहा है? बहुत हो चुका इनका बहनचोद। चाहता क्या है? मैं कुछ नहीं चाहता साहब, परंतु ये संसार मुझे देता है ईर्ष्या का भार, नफरत की आग और खौफनाक किस्से। जब मैं कहता हूँ बाहर में जाओ। अमर सिंह, ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो होना चाहिए। अमर सिंह, बंदूक नीचे करो, गोली नहीं चलनी चाहिए। गोली? ये गोली चलेगी, बाजल नहीं तेरी। अब ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। अब इस बादर चौथ को यही मरना होगा। अमर सिंह, मैं कहता हूं बंदूक नीचे करो। चुप कर, चुप कर, चुप कर बहन चौथ। तब से लपट 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 कर रहा है। चंदन तुम ये करो, हेमंत तुम वो करो, तुम आगे आओ, तुम पीछे जाओ। बहुत हो गया भोसड़ी के। अब तुम दोनों को यही खत्म करके मैं सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। वीरेंद्र समझा इसे। पिछट अमर, पिछट। नहीं वीरो, नहीं, तुम इनकी बातों में आ गया है वीरू। ये हम सबको मरवा के छोड़ेगा, तू समझ बात को। हम ही दोनों को यही मार देते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या? रुक जाओ अमर। नहीं अमर, रुक जाओ, छोड़ो मुझे। अगर ये गोली चल गई तो वो जो चाहता वही होगा। ये तब से हम सबको भड़का रहा है ताकि हमें संभाल दे। अगर तूने ये कर दिया ना तो वो जीत जाएगा। हमें इस बसड़ में नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना इस बसड़ में। मेरी बात मान अमर, पीछे। मैं उसके जंगल में नहीं आया हूँ। फिर तू इसके अफसर के जंगल में आ गया है। अमर, मैं उसके बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा? ये मुझसे क्या हो गया साहब? वीरेंद्र, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सर। वीरेंद्र, 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 खुद के नाराज होने की कभी माफिया मांगी? होता है दिखावा, होता है चलावा।
खुद के बर्बाद होने पे कभी उम्मीद मिली। होता है दिखावा यही, होता है चलावा यही। हर एक गली हर मोड़ पे तुझे घसीट के ले जाएगा, फिर रूह को ये कैद कर जिसमे नोच नोच कर खाएगा। होता है दिखावा यही, होता है चलावा यही। किसी दिन कोई साथ छूटा पर आंखें नम ना हुई। होता है दिखावा होता है चलावा यही। कभी पत्थरों में मुरारी। मुरारी तुम
तुम इसको पहचानते हो? ये तो चंदन है साहब। चंदन, चंदन, हेमंत, अरविंद, लक्ष्मण, अमर सिंह, वीरेंद्र, आशीष। सी चंदन, एच हेमंत। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ए अरविंद, काला जादू करता है बता रहा हूं। एल लक्ष्मण, ए अमर सिंह, वी वीरेंद्र, इसको नहीं खत्म कर देते। ए ए आशीष, मुरारी, ये सारे पेपर्स उसकी फाइल से गिरे और उसकी फाइल जेल से आई है। उससे कैसे पता था कि मिशन पर उसके साथ कौन जाने वाला है? उसे कैसे पता था? कहा था मैंने साहब, यही है उसका समय। ये छलावा है या छलावा होगा, कैसे पता चलेगा साहब? छलावा के चक्रव्यूह में हम सब फंस गए साहब, छलावा के चक्कर में हम सब फंस गए साहब। चंदन, हेमंत, अरविंद, लक्ष्मण, यानी इसका मतलब मुरारी, अमर सिंह, वीरेंद्र और मेरे आशीष की जान खतरे में, उसे फोन करना होगा। आशीष, आशीष, ये सब अनसिप है। उसकी फाइल से कुछ पेपर्स मिले हैं और वो और उन पेपर्स पे तुम सबके स्केचेस। तुम सबके, ये कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है आशीष कि ये सब क्या है। मरने वाले के नाम छलावा से शुरू होते हैं। सी एच ए एल ए वी ए सी चंदन, एच हेमंत, एस अरविंद, एल से लक्ष्मण। एग्जैक्टली आशीष, आई डोंट अंडरस्टैंड कि यह सब कैसे हो सकता है, लेकिन अगर यह सच है आशीष, तो फिर अगला नंबर अमर सिंह या तुम्हारा है। आशीष, ये पतली रोको ये पतली। अमर सिंह और वीरेंद्र भी मारे गए। क्या इसका मतलब अगला मैं
रहे हूं। नहीं, नहीं आशीष, नहीं। ये कौन है? तो कौन है ये तो मैं जानना चाहता हूं। तो ये सब कैसे करता है? तूने इतने लोगों को कैसे मारा? हाँ? मैं भी यही जानना चाहता हूं साहब। अमर सिंह, अमर सिंह सही कहता था, तू मादरचोद, तूने सबको मार दिया एक एक करके। बहनचोद? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। अगला मैं हूं ना, मुझे मारेगा ना? हाँ बोला, मुझे मारेगा ना तू? हाँ, अब मेरी बारी है। हाँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब आपकी बारी है या मेरी। अब सवाल बहुत पूछते हैं साहब, पर सच तो यह है कि आप उनका जवाब नहीं सुनना चाहते। जिस बात को पता लगाने के लिए आपने इतना समय लगा दिया, वो बात मैं कई सालों से जानता हूं। हर बार कोई चंदन, हेमंत, अरविंद, लक्ष्मण, अमर सिंह, वीरेंद्र, आशीष मरता है, पर क्यों कोई नहीं जानता। हर बार नए नाम, नए चेहरे मरते हैं, पर क्यों कोई नहीं जानता। क्या है ये छलावा? कौन है ये छलावा? सबको एक ना एक दिन मरना ही है साहब, पर इस भ्रम के साथ क्यों, इस सवाल के साथ क्यों? ये छलावा अपने नाम और चेहरे खुद सुनता है, वो आखिरी है, आप नहीं, मैं हूं। नाम क्या है तेरा? आशीष। आपके पहले सवाल का जवाब। बाकी लोगों तूने नहीं मारा? नहीं साहब। तो फिर किसने? आपने। हाँ साहब, आपने। चंदन की जेब में वो रुमाल, वो खून, वो इनहेलर बता रहा था कि उसे अस्थमा की बीमारी है।
आसमान की जगह उसे बंद गाड़ी में क्या मिला? सिर्फ तुम। चंदन तू ठीक है ना? जो धुआं आपकी तलब बुझा रहा था वो किसी की जिंदगी मिटा गया। मेरे डर से वो खुद मरते चले गए। मैंने किसी को भी नहीं देखना। ये बात है यार, मुझे हम सब की जान की बहुत फिक्र हो रही है यार। यही समय है भाई छलावे का। हाँ, मैंने उन्हें ऐसे भड़काया जिससे मैं मर सकूं। साले आरामदार, किसी ने मारा है। ये तब से हम सबको भड़का रहा है ताकि हमें से भाग। बंदूक छोड़ा मत। मैंने किसी को भी नहीं मारा। नहीं जीना है मुझे इस भ्रम में। और सालों से इंतजार कर रहा हूं कि वो कौन सा चक्रव्यूह होगा जिसमें मेरा नाम आएगा। मैं मुक्त होना चाहता हूं इस शरीर से और इससे जुड़े किस्सों से। थक गया हूं मैं इसे देखते देखते। मैं मरना चाहता हूं। वीरेंद्र मेरे बारे में सही था। मैं कहता हूं साहब इसको यहीं खत्म कर देते हैं। ईश्वर के इशारों को समझिए साहब। मैंने आपसे क्या कहा था साहब, इससे पहले देर हो साहब हम इसे यहीं मार देते हैं। पर आपने वो भी नहीं होने दिया। पूरे सफर में आपने सिर्फ अपनी सुनी और किसी की नहीं। अपनी बीवी का गुस्सा आप औरों पर निकालते रहे। आपके बाद मैम साहब का क्या होगा? आप खुद पर काबू रखो साहब, ऐसा मत करो। और इस डर से औरों को क्या मिला? सोचिए ना साहब, लोग अपना गुस्सा किसी और पर निकालते हैं और उन्होंने सबको क्या दिया? डर। वो डर जिसने सबकी जान ली। कई बार हमारे अपने हमसे झूठ बोलते हैं। तुमने गार्ड को मुझ पे नजर रखने के लिए वो नेहा बता रही थी कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए दो दिन के लिए घर जा। पर उन्हें खोने का डर उसे सच बना देता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें शक करूं? चलावा कौन करता है? आप या वो या दोनों या कोई और? ब्रह्म का खेल तो सब खेलते हैं ना साहब। फिर इस चक्रव्यूह में हम ही क्यों? और वो बात सच क्या है ये कोई नहीं जानता साहब। शायद मेरी तरह वो काला बाज भी अपनी मौत ढूंढ रहा था, इसलिए सफर में साथ चल दिया। पर देखिए ना साहब, उसे मारा भी तो किसने? तो क्या है ये चलावा? सवाल ये नहीं है कि क्या है ये चलावा, सवाल ये है कि कौन है ये छलावा। सवाल ये नहीं है कि आप कौन हैं, सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह में आप कैसे आए? कहां से ये मौत का खेल खेला जा रहा है और इसके लिए आपको ही क्यों चुना? आपकी वाइफ आपको धोखा नहीं दे रही, आपका डर उससे धोखा दिलवाता है। शायद यही वजह है कि आपको इस मिशन पे भेजा गया जहां से लौटना मुश्किल है। क्या वो आपके अपने हैं साहब?
खत्म कर दीजिए आप इस चक्रव्यूह को, खत्म कर दीजिए आप मुझे। देखता है। I don't know, तुम्हें क्या हो गया है आशीष?